कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट लेकर के लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की उसी को उठा करके खड़े हो गए और राहुल गांधी ने उसको उठाया, आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया, कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।